अब मैं जा रही हूँ रोप वे पर चढ़ने के लिए। सबसे पहले आप लोग को वहाँ से टिकट लेना होगा, तो देखते हैं टिकट का प्राइस वगैरह कितना है। भैया दो टिकट। यहाँ पर कुछ कुछ सूचना वगैरह दिया हुआ है, तो आप इससे स्टॉप करके पढ़ सकते हो। गाइस टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा जाने का रास्ता, ये देखिए। और इस साइड कुछ कुछ शॉप वगैरह लगे हुए हैं, तो खैर आज काफी लंबी लाइन है, देखती हूँ जाते हुए लाइन में लगने। सबसे पहले लोगों ने टिकट वगैरह कटवा लिया। प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पर लिफ्ट खराब हो चुकी है, और लिफ्ट अभी पता नहीं बनने में कितना टाइम लगेगा। अभी 3 बज रहा है, 5 बजे तक ही टाइम है यहाँ पर लिफ्ट के चलने का। और अभी टेस्टिंग में हम लोग सोचे चलो रिटर्न करवा कर आ जाते हैं, रिटर्न में भी लाइन था, लाइन लग गई। हम लोग का जब बारी आया तब तक देखे क्या, अरे यार चालू हो गया, और वो चालू वालू कुछ नहीं हुआ था, बस टेस्टिंग हो रही। ऐसे सीढ़ियां हैं, आप जा सकते हो, लेकिन अच्छा खासा ऊपर है। यदि आप जाते तो लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा पैदल चल के जाने में। यहाँ पर अभी टिकट चेक होता है, जैसे कि स्टेडियम वगैरह में टिकट चेकिंग का ऑप्शन रहता है, उसी तरह बारकोड स्कैन होगा, उसके बाद आपको एक एक करके जाने को मिलेगा। पीछे भी आप देख सकते हो अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, बिकॉज रोपवे बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, इसलिए यहाँ पर काफी भीड़ लग गई। तो बैठ चुकी हूँ इसमें एंड अब बस ऊपर जा रही हूँ। कल मुझे बहुत डर लगा था, आज देखती हूँ आज क्या होता है। ये देखिए चारों तरफ का नजारा, एंड आई थिंक पीछे आदित्य है बैग लेकर। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिए, वो रहा आदित्य मेरा बैग लेकर। बहुत मेन पॉइंट आने वाला है, ये काफी ज्यादा गहराई है और नीचे देखने पर मेरी जान सूख रही है। मुझे हाइट फोबिया है, बट देन टू मैं हाइट पर चढ़ी हूँ, अच्छी खासी हाइट पर हूँ। और अभी ये आप लोग जो व्लॉग देख रहे हो, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऐसे व्लॉग आने वाले जो मैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस काम में करने वाली हूँ। हाँ ज्योति जायसवाल, अभी अभी एक ने पूछा कि मेरा यूट्यूब चैनल है या नहीं, देन आई टोल्ड हिम या ज्योति जायसवाल, यार यहाँ पे रस्सी में खड़े खड़े ही फेमस हो रही हूँ। यार सब लोग इतने रिलैक्स पता नहीं कैसे हैं, लोगों को हाइट से डर नहीं लगता क्या, यार नीचे देखने पे हाइट फट रही है। वहां पर पहुंचना है हमें, बस पहुंच ही गए, वी आर अबाउट टू रीच। ये पहुंच गए मुख्य द्वार तक। मैं एंटर कर चुकी हूँ इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, और मतलब सीढ़ियाँ भी यार नहीं चढ़ी। ये रहा मेन जो शांति स्वरूप है, काफी भीड़ है यहाँ पर। ये पीछे आप देख सकते हो काफी पहाड़ है, और इसी पहाड़ के बीच में ही रास्ता है घोड़ा कटोरा जाने का, जहाँ के हम लोग गए थे। और इस साइड में गुरुत्कुट पर्वत भी है। नीचे के व्यूज तो मैंने आपको दिखा दिए, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको शूज वगैरह ओपन करने पड़ेंगे। अब हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर में, और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ नीचे कैसा दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जिसका लक होता है उसका यहाँ पर पैसा चिपकता है, सो लेट्स ट्राई कि मेरा लक कितना अच्छा है, यदि नहीं चिपका तो आप लोग हंसना मत। ज्योति का लग बिल्कुल अच्छा नहीं है, देखिए कहीं भी नीचे पकड़ा है ज्योति से। एक बार में लगाई, एक पॉइंट गिर गया तो उसको मत उठाइए। मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाया था ना, तो उसमें पता है वो फोर्स आ रहा था, लग रहा था चिपक जाएगा, मैं खुद को छोड़ती और छूटा और गिर गया वो। अब हम लोग जा रहे हैं इसका पूरा व्यू घूमने के लिए। आज आदित्य साइड का हर तरफ का व्यू, और इस साइड में एक घंटा घर टाइप का, वहां पे हमेशा पता नहीं राउंड राउंड मतलब हमेशा घंटा बजते रहता है। स्तूप है ना शांति स्तूप, इसका तीनों साइड चारों साइड में इस तरह की बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई है।
यहाँ पर घंटा घर एक मतलब घंटा है बहुत बड़ा सा जिसमें कि कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। ये है सूत्र स्तूप ऑफ सद्धर्मा पुंद्रिका सूत्र और यहाँ से जो नीचे का नजारा है ये सबसे अच्छा है। ये देखिए दोस्तों काफी ज्यादा गहरा है, आप लोग को यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा बट जब आप यहाँ आओगे ना तब आप लोग को लगेगा यार। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए नीचे जाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ से निकल रही हूँ और शाम भी हो चुकी है। आज मेरे राजगीर में है डे थर्ड और अभी मैं जा रही हूँ पांडव पोखर। ये मेरे बस स्टैंड में हूँ और यहाँ से मैंने ई रिक्शा लिया है पांडव पोखर के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है अजात शत्रु का किला मैदान। यहाँ पर पूरा कहा जाता है किला था पूरा एरिया में, अच्छा खासा बड़ा मैदान है। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस बच्चे यहाँ पर खेलते हैं शाम के वक्त में। ये रहा वो एरिया पूरा। जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जाता है पांडु पोखर की तरफ। अभी मैं हूँ पांडु पोखर के बाहर और यहाँ का जो एरिया है बहुत सही लग रहा है। मतलब यहाँ के बारे में मुझे लगा था कि बस एक सिंपल सा पोखर होगा बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरस चीजें हैं। हम लोग जाने वाले हैं जापानी मंदिर और वो भी पांडु पोखर वाले रास्ते में ही है। पोखर का जो ब्लॉग है आप लोग को देखने को मिलेगा। हाँ। वो सेपरेट है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। अब मैं हूँ जापानी मंदिर के अंदर और यही है मेरे पीछे मेन मंदिर। राजगीर में बेसिकली जैन मंदिर बहुत ज्यादा हैं, आपको हिंदू वाले मंदिर मतलब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ का क्लोज लुक वगैरह दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये बहुत बड़ी सी बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, ये बाहर में ही है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ग्रीनरी मिलती है और ये देखिए चिड़ियों की चहचहाहट। मुझे तो पढ़ना नहीं आता, यदि पढ़ना आता तो आप लोग को बता देती ये वाला चीज है। दोस्तों अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो इसलिए सिर्फ मैं अंदर गई और अंदर में बहुत खूबसूरत एक बड़ा सा हॉल है और बड़ा सा हॉल के अंदर दो मूर्तियां, एक तो भगवान बुद्ध की लग रही थी और अंदर बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। पता नहीं किनकी थी, मैं सारे को तो नहीं जानती। 81 में ये मतलब निर्माण हुआ था इसका और अभी हम लोग इन कर चुके हैं विरायतन के अंदर। एंड अंदर घुसने का जो टिकट है वो 10 साल के ऊपर के बच्चों के लिए 25 रुपीज़ है। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में है और इसके अंदर एक म्यूजियम भी है। अभी हम लोग ग्रामी कला मंदिरम के अंदर गए। एक्चुअली अंदर भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था बट हम लोग अंदर गए और अंदर इतना खूबसूरत है ना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। यदि आप अंदर घुसोगे ना तो लगेगा जैसे जन्नत में आ गए। यहाँ पर भगवान महावीर जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया, उनकी पूरी जीवन की स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई, छोटे 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 पूरे कारीगर के, मतलब इतना खूबसूरत है। आप इस पार्क का नाम है ऋषि पार्क। यहाँ पर मेनली घूमने के लिए बस दो चीजें हैं, एक ये वाला मंदिर है और एक पीछे जो म्यूजियम है। विरायतन के कैंपस में ही आपको ये भी मिल जाएगा। यहाँ पर शायद चरण पादुका वगैरह रखी हुई बट मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे अब शूज खोला नहीं जा रहा। तो यदि आप भी मेरी तरह आलसी है तो कृपया कर यहाँ पर स्लीपर्स पहन कर आए। अभी मैं हूँ वेणुवन के बाहर और वेणुवन का गेट यहाँ पर है, 10 रुपये भारतीय नागरिकों के लिए। तो अंदर जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ की मछलियाँ काफ़ी फेमस हैं, उन लोगों को चारा खिलाओगे तो बहुत सारी मछलियाँ निकलेंगी, मेरी मम्मी ने बताया था। वेणुवन के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ का जो क्लोजिंग टाइम है 5 बजे है और अभी 4 बज रहे हैं तो 1 घंटा के लमसम हम लोग के पास टाइम है। यहाँ पर यार मुझे वो मछलियाँ देखनी है, सीरियसली मछलियाँ दिख गई तो ठीक है, गुड लक। ये है वेणुवन का पोखर वगैरह और अभी यहाँ पर आई थिंक कंस्ट्रक्शन वर्क चालू, आवाज़ वगैरह भी आ रही है बहुत ज़्यादा है। बेसिकली तो मुझे ये थोड़ा सा वन टाइप जैसा होता है ना, जंगल टाइप ही लग रहा है पूरा, कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस इसको बना दिया गया है, जंगल को ही अच्छा खासा एरिया फैला हुआ है।
मुझे देखकर लग रहा है कि पूरा इसको और सुंदर सा पार्क जैसा सजाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कुछ खाली खाली से है। ये भी वेन्यू वन के अंदर, यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा है और पूरा पताका वगैरह लगाया गया है, और यहाँ पर कुछ कुछ जापानीज वगैरह में लिखा हुआ। अभी तो बहुत सारे पर्यटक भी आए थे यहाँ पर, चाइनीज जापानीज, देख के तो चाइनीज लग रहे थे। यही वो पोखर है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ मिलती है, यदि आप चारा वगैरह डालोगे तो मछलियाँ ऊपर आएगी। यहाँ पर हंस बहुत सारे, हमारे घर तक तो सिर्फ बत्तख ही दिखते हैं। आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ पर राजगीर में जब आप आते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन सब से आप कैसे बच सकते हो। तो पहली बात, यदि आपको राजगीर आना है तो आप दो वे है यहाँ पर, पहले ट्रेन से आ सकते हो या फिर बस से आ सकते हो, बट बस से आओ ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ट्रेन का रूट बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाला है, पैसेंजर ट्रेन से अधिकतर चलती है यहाँ पर। बस से यदि आप आते हो तो आपको ऐसी जगह पे उतारेगा वो कि जहाँ से आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, और जब भी आप आओ तो 2 से 3 दिन का टाइम लेकर आओ क्योंकि बहुत सारी जगह है राजगीर में एक्सप्लोर करने को। और अगर आप ओयो वगैरह से होटल को बुक कराते हो तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि होटल वाले ना थोड़े ज्यादा नौटंकी करते हैं। हमारे साथ भी ये चीज प्रॉब्लम हुई कि हम लोगों ने रूम बुक करवा लिया, उसके बाद ये लोग हम लोग पे चिल्लाने लगे कि नहीं आपको यहाँ पेमेंट करना था, ऐसे करना था, तो वो लोग थोड़े रूड होने की कोशिश करते हैं, वो लोग बेनिफिट अपना लेने का कोशिश करते हैं कि ओयो वालों को पैसा ना देना पड़े। एक और चीज़ था जो हम लोग को फेस करना पड़ा कुंड में, ये हुआ हमारे साथ कि वो लोग बहला फुसला करके मतलब आपसे ऐटने का कोशिश करेंगे पैसा, और हम लोगों का भी चला गया, एक जगह पे 200 रुपया चला गया। उसका सेकंड टाइम उन लोगों ने फिर से हमारे साथ चीट करने का कोशिश किया, वो लोग बोले हाँ भगवान के नाम पे यार ऐसे कर दो वैसे कर दो, जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो लोग इतनी सारी बातें बनाएंगे ना आपके सामने कि आप भी फंस जाओगे। और यहाँ पर जब आप आते हो इन राजगीर तो आप तांगा जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो भी जगह है ना दूर दूर पे है और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर जगह है, तो आपको तांगे वाले अच्छे से घुमा देंगे, और आप खुद से एक्सप्लोर करके मतलब रखोगे तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो लोग ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये तक लेते हैं आपको ऑल टोटल जगह वो लोग घुमा देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट में जरूर से बताइएगा कि क्या आपको ये ब्लॉग पसंद आया या नहीं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ अलग करने की कोशिश की है। और अभी इस तरह के ही एडवेंचरस ब्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।